फहरस्त न देने वाली जमात मखसूस सीटों की अहल नहीं मखसूस नशस्तों के मामले पर मुस्लिम लीग नून के अरकानी ने इलेक्शन कमीशन से रिजू कर लिया मौकफ के पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी इतलाक माजी से मौसर करार दिया है तरामीम के मुताबिक एक बार वाबंदगी का जमा सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता इस तदा की गई है कि करार दिया जाए कि सियासी जमात में शामिल होने वाले आजाद उम्मीदवार दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते तो फहरस्त न देने वाली जमात मख़सूस सीटों की अहल नहीं मखसूस नशस्तों के मामले पर मुस्लिम लीग नून के अरकान ने इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है मौक अपनाया है कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी फहरस् देने वाली जमात मखसूस सीटों की अहल नहीं मखसूस नशस्तों के मामले पर मुस्लिम लीग नून के अरकानी ने इलेक्शन कमीशन से रिजू कर लिया मौकफ अपनाया कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी इतलाक माजी से मौसर करार दिया है तरामीम के मुताबिक एक बार वाबंदगी का जमा सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता तदा की गई है कि करार दिया जाए कि सियासी जमात में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवार दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते तो फहरस्त ना देने वाली जमात मखसूस सीटों की अहल नहीं मखसूस नशस्तों के मामले पर मुस्लिम लीग नून के अरकानसम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है मौकफ अपनाया है कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी